नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले नटवर लाल को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शख्स जिसने मंत्रालय में अपनी पहचान बताकर एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए ठग लिए लेकिन नौकरी नहीं लगाई। आखिरकार पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी नटवर लाल ने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है और कितने रुपए ठगे हैं। ये पूरा मामला दुर्ग जिले के स्मृति नगर थाने का है, जहां आरोपी ने नायब तहसीलदार पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को स्मृति नगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों से की जा रही पूछताछ में आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस आरोपी की तलाश पुलिस को 3 महीने से थी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता निमाई देवनाथ ने स्मृति नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वह माह फरवरी 2021 में अपनी पुत्री को नायब तहसीलदार और पुत्र को एम्स अस्पताल में शासकीय नौकरी में लगवाने के नाम से आरोपी श्रेयांश यादव और अभिजीत सिंह ने 15 लाख रुपए लिए, लेकिन आरोपियों द्वारा ना तो नौकरी लगवाई गई और ना ही पैसा वापस किया गया, जिसके बाद आरोपी अभिजीत और श्रेयांश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी श्रेयांश यादव और अभिजीत के विरुद्ध धारा 426 भादौई की अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभिजीत को 3 माह पूर्व गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। आरोपी श्रेयांश यादव काफी शातिर धोखाधड़ी के आरोपी है, जो कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम से पैसा लिया लेकिन शिकायत करने से लोग डरते हैं। ये प्रार्थी सामने आया था तो इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। 3 महीने से लगातार फरार चल रहा था।